भले जल में जाए में वहां से पूरा वर्ल्ड कप बंदा हार जाए लेकिन इंडिया से ना हार। हाँ देखिए अगर हम सर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमारे T20 के जितने भी मैचेस हैं समहाउ पाकिस्तान उसमें मुकाबला बहुत अच्छा हुआ इंडिया के साथ लेकिन मैचेस जीत नहीं सके। तो अब हमारी पूरी दुआएं हैं कि बाकी कोई मैच भी हार जाए इन जनरल हमारा न्यूजीलैंड के साथ और इंडिया के साथ लेकिन T20 में हमारा रिकॉर्ड ठीक ही है बाकी हम कंफर्मेशन दे देंगे। जी जी जय हिंद दोस्तों। आज इस पाकिस्तानी रिपोर्टर एवं इनके एक्टिविटी देखकर काफी मजा आने वाला है क्योंकि इन पाकिस्तानी के पास टैलेंट होते हैं जीरो और इन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ जीत चाहिए। कब आएगा मौका, 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 मौका। जो हमारा पहला मैच होने जा रहा है वो होगा रिवायती हरीफ भारत से। बिल्कुल और इस दफा तो दोनों टाकरे मजे के होंगे। न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से पाकिस्तान आके आधा घंटा पहले जिस तरह से उन्होंने हमें पीठ दिखाई तो उसकी वजह से मतलब मैं थोड़ा सा और ज्यादा वो कर रहा हूँ सस्पेंस वो क्रिएट कर रहा हूँ तो उसे और गुस्से में और इसके साथ न्यूजीलैंड के साथ भी जो हमारा मैच होगा ना तो उसके ऊपर भी बड़ा जो है वो एक साइकोलॉजिकल उसका प्रेशर होगा। एक देखिए ये टीम को अभी से पता होना चाहिए कि देखिए साइकोलॉजिकल प्रेशर में आपने नहीं क्योंकि नफ्सियाती प्रेशर में आपके ज्यादा होगा। यही नहीं अभी और सुनिए कीवीज के ऊपर तो होगा लेकिन जो पहला मैच है वो इंडिया से और हमने अक्सर देखा कि समहाउ कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स जो कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं नफ्सियाती दबाव में आ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया। मैं तो ये कहता हूं उन्हें जाएं कीवीज के सामने उनको जाके घूरते रहे उनको लगे कि हमारा कुछ हमारी 27 लाख की बिरयानी हाँ। खा ली और उसके बाद बेशर्मो चले गए। भाई कोई कमेंट करके बताएगा कि पाकिस्तान में 27 लाख की बिरयानी कब से मिलने लगी। हमारी 27 लाख की बिरयानी खा ली और उसके बाद बेशर्मो चले गए। हमारी 27 लाख की बिरयानी खा ली और उसके बाद बेशर्मो चले गए। खार चढ़े इन लोगों को टीवी तक होने के चांसेस है। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुबतला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा। इतनी हसद इतनी जेलेसी पाकिस्तान से इतनी इनसिक्योरिटी कम ऑन कम ऑन। और कौमी टीम जो अपना पहला मैच है ये इंशाल्लाह होगा 24 अक्टूबर बता भी रहते सती साहब कि वो होगा इंडिया के खिलाफ। सो मैं तो ना अभी से मैं तो रोजे भी मान लूंगी मैं तो मुसल्ले बैठ जाऊंगी और मैंने 100 रुपए की शर्ट लगाई पाकिस्तान जीतेगा। शर्ट लगा लें और आप अपने नेल्स मजीद बड़े कर लें ताकि नेल बाइटिंग जो कॉन्टेस्ट होगा वो हम देखने को मिल सके। मुकाबला अच्छा होना चाहिए भले पाकिस्तान जीते पाकिस्तान को जीतना चाहिए। मैं देख भी रही हूं ना पाकिस्तान हार रहा है तो मैं फिर भी यही शर्ट लगाती हूं कि पाकिस्तान जीतेगा जीतेगा इंशाल्लाह जीतेगा। मैं पॉजिटिव रहती हूं 100 रुपए दिल टूटे तो क्या क्या हो सकता है। अच्छा साथ में जावेद मियां अभी इस पाकिस्तानी मीडिया कौन समझाएगा कि तुम रोजे रख लो या भूखे मर जाओ जीतेगा तो 24 तारीख को इंडिया ही। Well, that's gone up in the air. Another one bites the dust. It's all over for Fakhar. Top edge. आपने तमाम टीमों की बात की ये बताइए कि आपके तजज़िये की रोशनी में इस मर्तबा पाकिस्तान टीम की जीत के इम्कानात आप कैसे देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान फाइनल खेल रहा होगा। जी बीइंग अ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी होने के नाते तो मैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा। यही नहीं अभी और सुनिए और हमारी टीम में ऐसा स्ट्रेंथ है हमारी टीम अगर केप अपने टैलेंट के ऊपर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट सही करेगी तो आई थिंक पाकिस्तान के पास बहुत चांसेस हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं जो टीमें ख़तरनाक होती हैं ऐसे टूर्नामेंट में अफगानिस्तान कैन बी वेरी डेंजरस टीम बिकॉज ऐसी पिचों के ऊपर जहां पे वेयर टेयर होगा वेरिएशन होगी पिचेस के ऊपर स्पिनर्स का बहुत रोल होगा तो ये जो अफगानिस्तान की टीम होती है या वेस्टइंडीज़ के प्लेयर होते हैं ये इन पिचों के ऊपर बड़े डेंजरस हो जाते हैं। ये कभी भी इनमें एक प्लेयर भी गेम को परे कर सकता है क्योंकि ऐसे इनके पास पावर हिटर्स हैं। जय हिंद दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं वर्ल्ड कप से पहले तक एवं वर्ल्ड कप से बाद भी पाकिस्तानियों का नया नया रिएक्शन लाता रहूंगा। ऐसी भी क्या जिद है तेरी करा दे अब दीदारे।